से क्रिकेटर की पहचान उसका क्रिकेट बैट होता है, एक शटलर की पहचान उसका बैडमिंटन रैकेट, लेकिन एक चेस खिलाड़ी की पहचान। हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी और मैं आज आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ पैरामाउंट डील्स चेस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट टू माय अनबॉक्सिंग टेबल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले लेट अस ट्राई टू जस्ट दिस बुक बाय इट्स कवर। देखते हैं कि यहाँ इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये चेस सेट मुझे मिला है पैरामाउंट डील्स की तरफ से। देयर लोगो इज फील द लग्जरी ऑफ चेस। ये तो चेस सेट को खोल कर ही पता चलेगा। दे क्लेम दे हैव बेस्ट क्वालिटी चेस सेट। मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोग यही कहते हैं कि दे गॉट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। वेल, देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है इस चेस सेट में, इस मिस्ट्री बॉक्स में। रोल अप विनाइल रबर चेस मैट। ओके, आई थिंक दिस विनाइल रबर चेस मैट, ग्रीन वाइट चेकर्ड बोर्ड, 34 स्टॉन्टन प्लास्टिक फील्ड पीसेस। 34 फ्रेंड्स, जितना मुझे चेस आता है, आई थिंक चेस में 32 पीसेस होते हैं, 16 1 के 16 1 के। ओह, ये लोग दो एक्स्ट्रा क्वीन दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बॉक्स को खोलने से पहले ही अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, दो एक्स्ट्रा क्वींस के साथ। ओके, देखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी चेस बैग्स टू कीप एंटायर चेस सेट। ओके, एक ऐसा चेस बैग है जो पूरे चेस सेट को जिसमें रख सकते हैं, मतलब कि विनाइल रबर मैट ऑल्सो और पीसेस भी वहाँ पर। इंडिविजुअल पाउचेस फॉर कीपिंग चेसमैन मीन्स चेस पीसेस एंड चेस मैट। ओके, अलग अलग चेस मैट के भी लिए एक पाउच दे रखा है और चेस पीसेस के लिए भी पाउचेस दे रखे हैं। यहाँ पर है चेस बैग एंड टू एक्स्ट्रा क्विंस। एल्जेब्रिक नोटेशंस यूजुअली होता ही है चेस मैट में। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि और क्या है यहाँ, क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन वेरियंट्स हैं इन लोगों के। ग्रीन वाइट, तीन कलर ऑप्शन हैं, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट और ब्लैक वाइट। हमारे पास जो आया वो ग्रीन वाइट का है, दिस वन। और 17 इंच, 2 इंचज, दो तरह के साइजेस में अवेलेबल है ये, 17 इंच और 20 इंच, जो भी आप ऑप्शन अवेलेबल ऑप्ट करना चाहें। हमारे पास जो आया है वो 17 इंचज वाला है। और क्या लिखा हुआ है जर फ्रेंड्स, यहाँ भी कुछ काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देखते हैं क्या है ये। कीप योर ब्रेन हेल्दी। ओके, आई थिंक चेस के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पैरामाउंट डील्स ब्रिंग्स यू अ चेस सेट टू कीप योर माइंड शार्प एंड फिट। दैट्स ठीक, ये बात ठीक भी है। इंक्रीजिज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चेस करता ही है। शार्पन फोकस, स्पीड अप थिंकिंग, रिड्यूस स्ट्रेस। लगभग सारी बातें ठीक है, लेकिन रिड्यूस स्ट्रेस से मैं थोड़ा नहीं मानता, क्योंकि चेस के खिलाड़ी जब चेस बोर्ड से दूर होते हैं, चेस गेम खेलकर जब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो बहुत स्ट्रेस के बाद भी आते हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज मेड इन इंडिया, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया, ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं कि क्या और कुछ यहाँ है हमारे इस मिस्ट्री बॉक्स में। हाँ, यहाँ कुछ है फ्रेंड्स। यहाँ पैरामाउंट डील्स वुडन पीसेस भी अवेलेबल करवा रहा है। ओके, वुडन भी है इनका, ब्रास। ओके, ब्रास भी दे रहे हैं, एल्यूमिनियम। अब फ्रेंड्स, मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एल्यूमिनियम, ब्रास एंड लग्जरी चेस सेट्स आर टू अवेलेबल फॉर देम। तो मुझे इनकी वेबसाइट को खोलकर फ्रेंड्स देखना ही होगा, www.paramountdeals.com के जीमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, paramountdeals@gmail.com कस्टमर केयर नंबर है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैड इनफ, और तो मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो करते हैं हम अब इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खोलते हैं हमारे इस मिस्ट्री बॉक्स को और देखते हैं इसमें आखिर है क्या ऐसा। देते हैं यहाँ, अभी तक तो ये बॉक्स काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमारा प्लेग्राउंड, हमारा रबर चेस मैट। ओके, वाइट पीसेस, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ सेकंड विन को देखने के लिए। लेट्स ओके, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। एंड ब्लैक पीसेस। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पाउचेस। मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए है पैरामाउंट डील्स अगेन, और ये वाइट के लिए है पैरामाउंट डील्स अगेन। वाइट फॉर वाइट एंड ब्लैक फॉर ब्लैक, शायद ऐसे अच्छा रहेगा। और हमारा चेस सेट है ही,
और चेस सेट का फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखी है, ओके, पैरामाउंट डील्स, और अच्छी रैपिंग है काफ़ी, और यही वही पाउच होगा जिसमें ये हमारा चेस सेटर, सॉरी विनाइल सेट जहाँ रखना था। और नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, ये कैरी बैग है, नॉट कैरी बैग, चेस सेट बैग मैं इसे कहूँगा, पूरा चेस सेट इसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। फील करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में हम सबसे अंत में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अपने प्लेइंग एरिना की। तो अब हम करते हैं एक एक कर सभी चीज़ों को देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं हम अपने चेस एरिना यानी चेस बोर्ड को फ्रेंड्स। इस चेस सेट में मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है यहाँ इस चेस विनाइल बोर्ड का ये पाउच। पहले मैं इसे खोलता हूँ और फिर इस पाउच की आपको खासियत बताता हूँ। वैसे तो काफ़ी अच्छी रैपिंग में दिया हुआ है, एक अच्छा फूल बना हुआ है, आराम से इसे खोल सकते हैं, दैट्स इजी। चलिए, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पैकिंग। और अब खोलते हैं हम अपने चेस पाउच को, सॉरी, देयर इट इज, ये आया फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा और इसको फ्रेंड्स अब खोलते हैं। आई थिंक मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से एक एक कर पहले इन चीज़ों को और फिर इसे खोलते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ कलर क्वालिटी शायद आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शार्प एजेस हैं, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है कलर्स की। इवन आप अगर वर्ड्स देखेंगे जो नोटेशंस है, एल्जेब्रिक नोटेशंस हैं, ये भी काफ़ी बेटर क्वालिटी की हैं। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटा है। मेरे पास जो पुराना मेरा चेस सेट है उसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वेल फ्रेंड्स ये तो हुई चेस सेट की बात, और अब हम चलते, खैर फ्रेंड्स जो मैं कहना चाह रहा था इस पाउच के बारे में, फ्रेंड्स कभी भी विनाइल चेस सेट को कभी भी फोल्ड नहीं करना है इस तरह से, अदरवाइज ख़राब हो जाता है बीच में। हमेशा इसको रोल अप करके रखना है, और यही बात पैरामाउंट डील्स की मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि चेस सेट को एक रोल्ड पाउच में फोर्स किया है उन्होंने, आप गलती से भी इसको फोल्ड नहीं करेंगे, हमेशा रोल अप करके ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने पीसेस की तरफ। पहले हम लेते हैं वाइट पीसेस और देखते हैं इन पीसेस की क्वालिटी और क्वांटिटी। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्स्ट्रा क्वीन को लेकर। फ्रेंड्स अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, ठीक है नए पीसेस हैं लेकिन काफ़ी बेटर क्वालिटी है, और साइज़ इनका जो मेरे पास चेस सेट है कम से कम उससे तो बड़ा ही है, इवन पॉन क्विन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। चलिए फ्रेंड्स मैं फटाफट जरा इन पीसेस को अपने स्क्वायर्स पर रख देता हूँ, जो एक चेस प्लेयर का सबसे पहला काम होता है। ये है वो एक्स्ट्रा क्विन, यहाँ ये दो क्विंस हैं। चलिए इस क्विन को रखने से पहले फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूँ, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई चेस सेट लें तो आप इस वेलवेट कवरिंग को कभी ना उतारें, अदरवाइज प्लास्टिक की शार्प एजेस यह मैट को ख़राब कर सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये वेलवेट कवरिंग हमेशा यहाँ बरकरार बनी रहे। तो ये हो गया है हमारा चेस सेट कंप्लीट, और जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने पाउचेस की तरफ और देखते हैं आखिर पाउचेस में ऐसा क्या है। ये है ब्लैक पीसेस के लिए, और काफ़ी अच्छी शेप है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इस पाउच का, जो मुझे नहीं लगता कि आराम से इवन कॉर्नर्स भी, इनके शार्प कॉर्नर भी इसे कुछ नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। चलिए अब मैं फिल करता हूं अपने बॉक्स को, अपने पाउचेस को इनफैक्ट। एक बात जिसका मैं हमेशा ध्यान रखना कि कभी बोर्ड विनाइल चेस सेट को कभी हमेशा रोल अप करना है, कभी फोल्ड नहीं करना है, तो स्क्रैक्स पड़ जाएंगे। और यही बात मुझे इस
पैरामाउंट स्टील के चेस सेट की अच्छी लगी। यहाँ आप हमेशा इसको इस तरह से पैक करके चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक हमने पूरे बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी छोड़ दी है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके बैग की तरफ। ये बैग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है। और अगर मैं बात करूँ कंपार्टमेंट्स की इस बैग में, आई थिंक ये पोर्शन शायद हमारे चेस्ट मैट के लिए होगा और ये पोर्शन शायद हमारे पीसेस के लिए होगा। चलिए एक बार रख कर देखते हैं इनको। यस, आई कैन वाइंड अप दिस थिंग। चाहें तो इस बैग में और भी बहुत कुछ रख सकते हैं। तो आप रखते हैं हम अपने विनाइल चेस सेट को। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा स्पेशियस बैग है। आप चाहें तो इसमें और छोटा मोटा कुछ सामान रख कर लेकर जा सकते हैं, जहां भी आप क्लब में, पार्क में, अपने दोस्तों के साथ जहां भी चेस खेलना चाहते हैं। ये बैग आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्यूट लुक है इस बैग का। आई थिंक पैरामाउंट डील्स रियली ब्रिंग्स द लग्जरी टू चेस। फ्रेंड्स, इस बैग के साथ पैरामाउंट डील्स एक और ऑप्शन देते हैं। अगर आप यहाँ कुछ और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक हार्डली 100-200 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, तो पैरामाउंट डील्स के पास एक और अच्छी ऑप्शन है एक बैग के साथ, खासकर इस बैग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है वो ऑप्शन जो पैरामाउंट डील्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये ऑप्शन मुझे बहुत बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ बैग। आई थिंक दैट्स ओके एंड गुड ऑप्शन, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी बेटर ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, तो हार्डली मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपये अगर आप और इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इस बैग को ज़रा मैं देखता हूँ। यहाँ इन्होंने आउटर पर एक पॉकेट दिया है, आप इसमें कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आई थिंक और तो कुछ नहीं है ना। ये दो स्ट्रैप्स हैं और ज़रूर ये शोल्डर स्ट्रैप्स होंगी। चलिए बॉक यहाँ इस बैग को मैं खोल कर देखता हूँ। फ्रेंड्स, बैग काफ़ी स्पेशियस बैग है। मैं अपने इस बैग को हटा देता हूँ पुराने वाले से। यहाँ काफ़ी स्पेस है इस बैग के अंदर। आई थिंक ये स्ट्रैप है जो शोल्डर स्ट्रैप है, आप इसे शोल्डर पर कैरी करके ले जा सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि स्पोर्ट्समैन वही लगता है जैसे आप क्रिकेटर को कह सकते हैं कि वो अपना क्रिकेट सेट अपने शोल्डर पर टांग कर ले जाता है, या शटलर अपने बैडमिंटन सेट, या टेनिस प्लेयर अपने टेनिस सेट को शोल्डर पर टांग कर ले जाते हैं अपने टेनिस सेट के साथ। तो वही काम पैरामाउंट डील्स ने चेस सेट के साथ किया है। यहाँ इन्होंने कुछ बुक दी है, चेस स्कोर बुक, और इस चेस स्कोर बुक्स में आप 20 लीव्स, आई थिंक 20 गेम्स आप कवर कर सकते हैं, और एक गेम के लिए 120 मूव्स की ऑप्शन भी है। ओके, 125, देयर इट इज। देन काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। ओके, बैक साइड पर भी है, तो 120, देयर इट इज। ठीक है, यहाँ आप 1 to 50, देन फोल्ड द पेज, देन गो टू 120। 120 मूव्स की ऑप्शन है, आई थिंक काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप कहीं भी जाएं, क्लब में, टूर्नामेंट के लिए, आपके पास अपनी पर्सनल नोटबुक होगी आपकी अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ एक काफ़ी बड़ा स्पेस है इसके अंदर, तो आप और भी कुछ सामान चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ एक आई कार्ड के लिए स्पेस इन लोगों ने दिया है। आई होप मैं शायद इसको इस तरह से घुमा देता हूँ। यहाँ एक आई कार्ड के लिए स्पेस दिया है, और यहाँ पता नहीं ये किस चीज़ के लिए है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा मैं वापस घुमा देता हूँ इसको। ये कुछ पॉकेट्स हैं साइड्स में दो, और ये ज़रूर पीसेस को रखने के लिए हूँ। और अगर मैं बात करूं ये स्ट्रैप्स की, ये दो स्ट्रैप्स हैं, यहाँ ज़रूर हमारा रोल्ड चेस बोर्ड आने वाला है इसके अंदर।
ओके, और यहाँ ये बैग है और मैं इसको देखकर ही समझ गया कि अगर आपके पास क्लॉक है तो आप यहाँ क्लॉक लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और जब मैं पैरामाउंट डील से इनके सीईओ से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने खासकर इस बैग के डिज़ाइन को वो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इट मीन्स इस डिज़ाइन को और कोई रजिस्टर और कोई बना नहीं सकता है। अगर वो बनाता है तो कॉपीराइट इशू होने वाला है उनके साथ। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और खासकर उन्होंने एक बात बताई थी कि आफ्टर 30 फेलियर्स उन्होंने इस डिज़ाइन को फाइनल किया है। पहले 30 अटैम्प्ट थे जो कि फेलियर थे और फाइनली वो इसे ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी अटैम्प्ट तक आए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने इस सेट को इसी बैग के अंदर रखना प्रेफर करूँगा। और किस तरह से रखूँगा, चलिए मैं रखता हूँ। दिस इज माई पी सेक्शन, ओके, एंड माई सेट। चलिए मैं क्लिक कर रखता हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, आराम से इसमें बैग आ जाना चाहिए। Yes, there it is. क्वालिटी चैन है। व्हाइट पीसेस के लिए फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा, दैट्स काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मेरा ये बुक हो ही गई है, यहाँ मैं कोई आई कार्ड रख सकता हूँ। और क्लॉक के लिए सबसे अच्छी बात है, अगर इसमें इस पॉकेट में क्लॉक रखते हैं, स्ट्रैप दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया है, मुझे ये दो स्ट्रैप दिए हैं इन लोगों ने अपने इस चेस बोर्ड को रखने के लिए। विनाइल चेस है, चेस बोर्ड आप इसे कह सकते हैं इसको रखने के लिए। रियल वैल्यू फॉर मनी है। आई होप तो अगर आप इसे लेंगे तो आप काफ़ी मतलब दुख नहीं होगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा कि हाँ मैंने कहीं अच्छी जगह पैसों को इन्वेस्ट किया। मीन्स अगर मैं इसे पूरा बंद करता हूँ, यहाँ स्ट्रैप्स बस मुझे लगाने हैं। अब सिर्फ स्ट्रैप भी एडजस्टेबल हैं एज पर योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ चेस खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दैट्स रियली बेटर। कोई कह नहीं सकता कि मैं चेस खेलने जा रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए उसे कि मैं चेस खेलने जा रहा हूँ, रियल स्पोर्ट्स में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने पैरामाउंट डील्स की अनबॉक्सिंग। मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा इट रियली ब्रिंग सम लग्जरी टू चेस। मैंने इनकी वेबसाइट को देखा था, दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। आई थिंक मोर देन 300 प्रोडक्ट्स आर देयर। और फ्रेंड्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, मैंने लगभग सभी लिंक्स दिए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग आइडिया मैंने आपको दिया है कि अप टू 50% ये लोग डिस्काउंट देंगे। एक रेफरल कोड मैंने नीचे दिया है, अगर आप उस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 50% डिस्काउंट या मैक्सिमम एट मैक्सिमम 100 rupees ऑफ डिस्काउंट इज देयर फॉर यू। तो आप ज़रूर जाएँ। और अगर आप एक चेस कलेक्टर हैं, चेस सेट कलेक्टर है इनफैक्ट मैं कहूँगा, तो पैरामाउंट डील्स आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन देता है। एल्यूमिनियम चेस सेट्स, वुडन चेस सेट, इनफैक्ट मतलब बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट करें। एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।